नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, लेटेस्ट में जो न्यूज़ ये आ रही है कि ट्विटर जो है वो एलोन मस्क जो है उसको बाय करने का प्लान कर रहे हैं। डील जो है ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है $53 पर शेयर के हिसाब से, जिससे जो है ट्विटर कंपनी का वैल्यूएशन $43 बिलियन बैठता है। तो दोस्तों, एक चीज इसमें समझने वाली है, इसके क्या मायने हैं। इलोन मस्क जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के, क्रिप्टो के एक बहुत ही सपोर्टर माने जाते हैं, बहुत ही एक बुलंद आवाज माने जाते हैं। रिसेंट में उन्होंने डोज कॉइन के बारे में भी बहुत कुछ उन्होंने उस पर लिखा। फिर उसके बाद बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे उसको उसके बारे में लिखा, और उसके बाद उनका प्राइस बहुत ज्यादा जो है मार्केट में जंप कर गया था। तो वो डिसेंट्रलाइजेशन से ट्विटर जैसे सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट पे क्यों हाथ डाल रहे हैं? तो दोस्तों, इसको यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अब दो सिचुएशन बन के सामने आ रही है कि या तो वो ट्विटर को बाय करके और बना बनाया एक इनको जो है ट्विटर मिलने वाला है, जिसको वो डिसेंट्रलाइज्ड कर देंगे, ब्लॉकचेन पे शिफ्ट करने के बारे में सोचेंगे, जो कि इसको डिसेंट्रलाइज्ड कर देगी, इसके डेटा को वहां एक स्पेस से हटा के ओवर द ग्लोब हर सिस्टम पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। एक तो कारण ये हो सकता है, और दूसरा कारण ये हो सकता है क्योंकि इलोन मस्क एक बहुत बड़े सटोरिये हैं, एक बहुत बड़े ऑपरेटर हैं। जहां उनको प्रॉफिट दिखता है वो वहां पे अपने हिसाब से ट्वीट कर देते हैं, अपने हिसाब से डील कर देते हैं। तो ट्विटर जो है एक बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ट्विटर को अगर वो बाय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उसको सेंट्रलाइज्ड तरीके से भी रख सकते हैं, उसी तरीके से ही चलने दे सकते हैं जिस तरीके से ये अभी चल रहा है। तो दोस्तों, ये दो सिनेरियो जो है बन के सामने आ रहे हैं, और मेरे को दूसरा जो सिनेरियो है उसके चांसेस ज्यादा लगते हैं, क्योंकि मेरी नजर में इलोन मस्क एक बहुत बड़े ऑपरेटर हैं, एक बहुत बड़े स्टोरिये हैं। वो किसी भी गेम को घुमाते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं और बाद में उससे अपना पैसा कमा के अलग हो जाते हैं। इसके रिसेंट में बहुत एग्जाम्पल देखने को मिले हैं, जब उन्होंने किसी चीज का हाइप बनाया हो और उसके बाद मार्केट खूब चढ़ी हो और ये अपना जो है मार बेच के निकल गए हो। तो दोस्तों, अब ये सिचुएशन जो है, ये डील जो है, क्या हो पाती है? क्या वो आगे इसको सेंट्रलाइज्ड रखते हैं या ब्लॉकचेन पे शिफ्ट करते हैं? ये देखने वाली बातें होंगी, और यहीं से आपको जो है इलोन मस्क का ट्रू चेहरा, ट्रू फेस देखने को मिलेगा, ट्रू करेक्टर देखने को भी मिल जाएगा कि वो किस तरह के आदमी है। तो दोस्तों, जुड़े रहें क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।